हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के टॉप के 100 एमसीक्यूज के साथ मैं आनंद मेरे एक बार फिर से आपके समक्ष लौटा हूँ। मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है। पिछले वर्ष आए हुए इन सवालों को आपको जरूर हल करना है, क्योंकि ये रिपीट आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अपना आकलन भी आपको जरूर करना है। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये सीरीज हमारी डेली चल रही है, पिछले पार्ट को आपको देखना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हिंदी व्याकरण के टॉप के 100 एमसीक्यूज पूरे सिलेबस कवर है। चलिए, पहला सवाल, उर्मी का पर्यायवाची है। पहला सवाल है, उर्मी का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? झील, तरंग, नदी और वायु। तो उर्मी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो उर्मी का पर्यायवाची ऐसा तरंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे हम एक शब्द में यदि कहें तो क्या कहेंगे? सुकवि, महाकवि, आसु कवि या राजकवि। चार ऑप्शन आपके पास है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे हम क्या कहते हैं साथियों? आसु कवि। अल्प समय में ही वो कविता बना देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अंधू में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधू में काना राजा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विद्वान में मूर्ख व्यक्ति, बी है विद्वान में सिरमौर, मूर्ख में सुयोग्य होना या नालायक व्यक्ति। तो अंधू में काना राजा मतलब मूर्खों में सुयोग्य होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अंगुली पर नाचना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अंगुली पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या? झगड़ा करना है, ऑप्शन नंबर बी है वश में करना, ऑप्शन नंबर सी अच्छा नाच करना, या अगला है नाचने में प्रवीण। ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते हैं। अंगुली पर नाचना मतलब वश में करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दही, पकौड़ी, तितली और बिजली। इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है साथियों हमारा दही, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। चार शब्द आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है वह शब्द जो इन चारों शब्दों से डिफरेंट होगा। यानी तीन शब्द तो इसमें मेल खाएंगे, एक शब्द इसमें अलग होगा, वो आपको बताना है। तो ऐसा शब्द है कागज, कॉपी, रजिस्टर, डायरी में से साथियों, कॉपी, रजिस्टर, डायरी साथियों ये संगत शब्द है। कागज जो है एक इनसे डिफरेंट शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है उपकृत, उपकारी, कृपण और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द है साथियों बताइएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है यहां दूध गाय, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता, एक पानी का गिलास दो, 20 गेहूं की बोरियां लाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां गाय का दूध शुद्ध मिलता है होता तो यह भी सही उत्तर होता, एक पानी की एक गिलास पानी की दो ऐसा होता तो यह शुद्ध होता, 20 गेहूं की 20 बोरियां लाओ ऐसा होता तो यह शुद्ध होता। तो इसमें से तीन गलत है साथियों, तो सही उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसमें ऑप्शन नंबर ए है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडी बर्फ लाओ, वहीं वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्टता चिकित्सा होती है। चार ऑप्शन आपको दे रखे, इसमें से आपको वह वाक्य बताना है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, साथ ही इसमें पूर्ण रूप से शुद्ध है, कहीं से खूब ठंडी बर्फ लाओ। अगला सवाल है, इतिश्री होने का अर्थ क्या है? बताइएगा साथियों, कभी हम कहते हैं इतिश्री हो गया तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इतिश्री होना मतलब, बताइएगा साथ, इतिश्री होना मतलब अंत होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपने संधि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अ प्लस आ मिला के आ बनता है तो दीर्घ संधि होता है, उसी प्रकार अ प्लस ई मिला के ए बनता है तो वो क्या होता है? गुण संधि। तो यह गुण संधि का भेद है साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है इसमें से। तो साथियों, अधोपतन, अधपतन, आधिपतन, अधोपतन, तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो मित्रों, इसमें से शुद्ध वर्तनी है हमारा अधपतन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? बताइएगा इसमें ईश्वर तुम्हें सफलता दे क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या विषमवाचक वाक्य है, क्या इच्छावाचक वाक्य है, क्या निषेधावाचक वाक्य है? प्रश्नवाचक और निषेधावाचक तो नहीं है, विषमादिवाचक वाक्य भी नहीं है, तो इच्छा ये जाहिर हो रही है, तो इच्छावाचक यह उत्तर सही होगा। अगला सवाल है, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? बताइएगा साथियों, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का जो लक्षण है वो है बताना आपको। तो कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का जो अलंकार होगा साथियों, होगा हमारा विभावना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा अरविंद का पर्यायवाची सुंदरता है, महर्षि है, कमल है या सूर्य है? कमल और सूर्य, तो इसमें से आपको पता होगा साथियों, ये तो यहाँ पे इसमें सही डाउट लग रहा है हमें, सुंदरता और महर्षि तो नहीं है, तो अरविंद का पर्यायवाची है साथियों, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर सी 170 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सत प्लस भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है? तो सत प्लस भावना कह रहे हैं साथियों, सत, और यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे स्वर नहीं बनना है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी क्योंकि भाव बन रहा है, ठीक है।
अगला सवाल, कोयले कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकापटी का अर्थ है। तो कोयलों की दलाली में हाथ काले में कोयले का व्यापार कठिन होता है, व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, अच्छे का सत्संग करना चाहिए। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब समझ गए होंगे अर्थ से साथियों आप लोग, तो सही उत्तर होना चाहिए इसका, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सभी भाइयों को पता होगा 14 सितंबर। अगला सवाल, मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनियां हम इनको कहते हैं, तो मूर्धा या मूर्धन्य जिनको कहने पर साथियों आपकी जो जीभ है वो मूर्ति है, तो वह ध्वनियां हमें बतानी है आपको, तो वो ध्वनियां है हमारी कौन सी, टॉ ठ ट, आपकी जीभ मूर्ति है ना, इनको कहने में तभी इनको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो संविधान के 351 में हिंदी के विकास के निर्देश यहां पे दिए गए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के रूप का चयन कीजिए, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, शुद्ध रूप का बताना आपको यहाँ पे भी, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, या पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, तो बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी 123 का सही उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा साथ, इसमें बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ नहीं, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ होगा, क्योंकि ये रोटी पहले का इसमें शुद्ध लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं साथियों, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या, तो आपको यहाँ पे एक काव्य पंक्ति दे रखी है, इसके रचयिता आपको बताने हैं, तो इसके रचयिता है साथियों हमारे कौन, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे, तो कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, कॉमा और यहाँ पे विराम चिन्ह लगेगा, और कॉमा यहाँ पे लगेगा, तन मन धन से मैं, तन मन धन से मैं तुम्हारी ये रक्षा करना चाहता हूं, ऐसे, तो यहाँ पे अर्ध विराम और हमारा फुल विराम लगेगा यहाँ पे। अगला सवाल, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है, तो महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित रेखा चित्र आपको बताना है, तो वो कौन सा है साथियों, रेखाओं और चित्र, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र और अतीत के चलचित्र, तो महादेवी वर्मा ने जो लिखा है वो आपको बताना है इसमें से, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा यहाँ पे लिखा गया। अगला सवाल, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यहाँ ज्ञात होता है कि संवत 1535 ईस्वी की बैसाख शुक्ल पंचमी को सिही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक कौन था, साथियों इस ईस्वी में जिस बालक का जन्म हुआ वह थे हमारे सूरदास जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उस वाक्य के लिए यदि हम एक शब्द का प्रयोग करें तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वह बीमारी यदि साथियों कोई बीमारी है जैसे ठीक होना उसका संभव नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो उसका क्या कहेंगे हम, असाध्य इसका होगा, ठीक है, असाध्य कहेंगे। अगला स्वर, अगला है प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर किन्हें कहते हैं, जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं, आपको पता है, जिनका उच्चारण गाकर किया जाता है ये भी नहीं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर समय लगे उनको प्लुप्त स्वर कहते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, 129 का सी। अगला सवाल, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है, तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होगा साथियों, ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का आपको अर्थ बताना है, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा उसकी ओर आपको जाना है, तो सही उत्तर करेक्ट बताइएगा साथियों, वह हमारा मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे जो मेहंदी को रंग, तो उपरोक्त में दोहिमा अलंकार कौन सा है, तो वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे जो मेहंदी को रंग, उपरोक्त में दोहे में अलंकार आपको कौन सा है बताना है, तो वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग बाटन बाटे, अंग बाटन बाटे, तो इसका जो यहाँ पे अलंकार होगा साथियों वो होगा उदाहरण अलंकार, क्योंकि एक यह उदाहरण पेश कर रहा है अपने अर्थ के जरिए। प्रमुख मात्रिक छंद है, तो छंद में आपने पढ़ा होगा मात्रिक छंद के बारे में, तो प्रमुख मात्रिक छंद होगा इसमें अहीर चौपाई और बरवे। अगला सवाल, निम्न में से संकर शब्दों का चयन कीजिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं आपको पता है जिनसे दो शब्द का यहाँ पे एक शब्द से दो शब्दों को मिलकर यहाँ बनाए जाते हैं, इनको हम तोड़े तो यहाँ से दो शब्द की व्युत्पत्ति होती है, तो ऐसे शब्द इसमें से आपको बताने हैं, तो ऐसे शब्द हमारे पान दान, पान अलग दान अलग करें दो शब्द बन जाते हैं और एक शब्द में एक शब्द आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्षी के कारण परिवर्तन नहीं होता, तो वे शब्द होते हैं साथियों जिन पर लिंग वचन कारक काल पक्षी का कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द हम विकारी शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। आंख के पर्यावाची हैं, तो आंख का पर्यावाची चक्षु तो है, दृग तो है, लोचन भी है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। रात का पर्यावाची शब्द नहीं है, रात्रि नीरद रजनी विभावरी, साथियों रजनी भी है विभावरी भी है रात्रि भी है, नीरद नहीं है, तो नीरद इसका पर्यावाची नहीं है रात्रि का। आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा, तिरुभाव, ऑप्शन नंबर ए। सुपसर्ग का उदाहरण है, कल सु ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रत्यय लगा है इसमें, सुबोध समुचित असुरक्षा ये भी नहीं है, तो पर उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द के प्रारंभिक में लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, तो सुबोध में सु जो है पहले में लगा है, तो इसलिए उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सुबोध में सुपसर्ग। अगला सवाल, देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का जो चयन कीजिए, तो देनदार और लेनदार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है अंत में देख लो, ये दार दार, तो दार ही यहां पे प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला सवाल, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाविधि, रातों रात, यथाशक्ति या उपरोक्त सभी। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो यहाँ पे है साथियों वह यथाशक्ति भी, रातों रात, यथाविधि भी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन आपको बताना है, वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई है, गुणवाचक विशेषण ये तो नहीं है, इस साल कम उपज हुए का गुण से कोई तात्पर्य नहीं है, इनको आने से अब रात 7 दिन शेष है, ये भी नहीं है, परिणामवाचक की विशेषता नहीं बता रहा है, तो वह अच्छा लड़का है, ठीक है, गुण बता रहा है लड़के की, तो इसलिए सही उत्तर हमारा गुणवाचक विशेषण इसका सही युग्म होगा। अगला सवाल, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य को चुनिए। तो संकेतवाचक वाक्य को चुनना, आप काम करते हैं, यदि वर्षा होती है तो फसल होती है, राम स्कूल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो संकेत का बोध यदि हम किसी से बोले तो यहाँ पे बोध हो रहा है करके, तो सही उत्तर होगा साथियों, यदि वर्षा होती तो फसल होती, जो संकेत कर रहा है ना, यदि वर्षा होती तो फसल होती, इसलिए संकेतवाचक वाक्य हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम कह रहा, अल्प विराम का चिन्ह है, चार ऑप्शन आपको बताना है, बताए यहाँ पे, बताएगा अल्प विराम कौन सा है, ये तो नहीं है, पूर्ण विराम है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी नहीं है, तो अल्प विराम हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो नींव का पत्थर होना मतलब मुख्य सहायक होना, कहते नहीं कि वह नींव का पत्थर साबित हुआ, तो मुख्य सहायक होना। अगला सवाल, सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, अनपढ़ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है बताइएगा। राग दरबारी, रंगभूमि, कर्मभूमि या गबन। वह उपन्यास है साथियों हमारा जो यहाँ पे प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, राग दरबारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। अगला सवाल, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, यह हमने किस आधार पर बताया है। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं साथियों, इसको हमने बताया है रचना के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइएगा साथियों। तो संज्ञा के जो भेद है इसमें से बताइएगा, तो संज्ञा के भेद होते हैं इसमें से 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन, बहुवचन, ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। चार आपको शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो तेज इसका सही उत्तर होगा साथियों, वो शब्द जो यहाँ पे क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण इसमें है, तो 152 का इसमें से सही उत्तर तेज होगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में सर्वनाम के साथियों हैं कितने रूप, 6 रूप है, 153 का इसमें से सी उत्तर सही होगा। अगला सवाल, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी है। साथियों आपको पता है उच्चारण के आधार पर हमारे वर्णों की संख्या है 10 स्वर 35 व्यंजन हमारे वर्णमाला में है। विज्ञप्ति शब्द हिंदी में कहाँ से लाई गई है, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो विज्ञप्ति शब्द हमारे हिंदी में साथियों कहाँ से लाई गई है बताइएगा। तो हिंदी में जो लाया गया है विज्ञप्ति, संस्कृत से लाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्न में से उष्म व्यंजन है, उष्म जिसको हमें उच्चारण करने पर साथियों हमारे मुख से हवा निकलती है, ऐसे निकलती है, तो वह है स स स, तो यह वाणी उष्म व्यंजन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी आपको बताना है किसकी रचना है, तो 166 का हमारा जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा हमारा बाण भट्ट। कादंबरी किसकी रचना है, बाण भट्ट की। चपला शब्द का पर्यायवाची है, 167 का आपको अगला सवाल आपको बताना है, चपला शब्द का पर्यायवाची है, चपला का मतलब क्या होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बिजली, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, रसोईघर शब्द में कौन सा समास है बताइएगा साथियों, कि रसोईघर शब्द में है हमें कौन सा समास दिख रहा है। समासों में आपने पढ़ा होगा, तो रसोईघर शब्द में जो समास है वह हमारा तत्पुरुष समास। देवालय शब्द में कौन सी संधि है, देव धन आलय, यानी अ प्लस अ इक्वल टू आ हो रहा है, तो यह किसकी विशेषता है हमारी, दीर्घ संधि की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नमक कहानी की लेखिका कौन है, तो नमक कहानी की लेखिका है हमारी रजिया सद्दात जहीर, एक ऑप्शन नंबर 170 का डी होगा सही। अगला सवाल, भावुक शब्द का संधि विच्छेद है, तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद है भौ प्लस उख, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे समाज के किस समस्या को दर्शा रहे। तो राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे मतलब बाल श्रम की ओर जा रहे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सूत्रधार शब्द का अर्थ है, तो सूत्रधार मतलब साथियों कपड़ा बुनने वाला, सूत्र को व्याख्या किसी आत्मसंघ के बाद, ऑप्शन नंबर सी, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर उसका सही उत्तर है। इस जल प्रलय में के लेखक कौन है, तो इस जल प्रलय में रचनाकार कौन है इसके लेखक, तो साथियों इस जल प्रलय में जो यहाँ पे रचना लिखी है वो किस लेखक ने लिखी है, तो इस जल प्रलय में लेखक है इसके बताएगा जो सही उत्तर है साथियों इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु, सही उत्तर बी हो गया। करी शब्द का अर्थ है बताएगा, करी शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है, तो करी शब्द का अर्थ है साथियों इसमें से हाथी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, खंड काव्य सुधामा चरित्र के रचनाकार है, तो खंड काव्य सुधामा चरित्र के रचनाकार आपको बताने हैं, तो खंड काव्य सुधामा चरित्र के रचनाकार है हमारे
नरोत्तम जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से वाय शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हवा, अनिल, समीर है, सलिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पीयूष शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, मैं बताना है आपको, तो पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है साथियों, क्या प्रत्यूष। अगला सवाल, क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण हम कहां से करते हैं, तो क ख ग, ये कौन सा है, कंठ से हो रहा है, तो कंठ है ये। अगला सवाल, पेट में दाढ़ी होने का अभिप्राय है, तो पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, 180 का हमारा सही उत्तर होगा, 100 ए। अगला सवाल, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह को कहते हैं, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से हम संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं, बताएगा साथियों, कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधाव्य के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, तो बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द जो है संबंध बोधाव्य के कौन से भेद को बताते हैं, साथियों हमारे बताते हैं दिशा सूचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ट और र मिलकर बनते हैं, तो ट और र मिलकर बनाते हैं ट्र, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, आम्र है, आम्र क्या है साथियों, सत्सम शब्द है, तद्भव है, देसी है, विदेशी है, तो हमने क्या कहा, संस्कृत से जो सीधे शब्द आते हैं तत्सम, परिवर्तन रूप में आते हैं तद्भव, तो संस्कृत से सीधे है आम्र, आम्र है, तत्सम शब्द है। अगला सवाल, जंगम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो जंगम शब्द का विलोम शब्द बताइएगा साथियों, सबको पता होगा ये जंगम शब्द का विलोम शब्द है, स्थावर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक कौन सा है, हिमालय से, आपदान से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना, वह पत लिखने में बैठा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, तो इसमें से जो कौन सा वाक्य शुद्ध है में आता है, तो सही उत्तर होगा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नधुर्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, नधुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें से होगा, नदीधर उर्मी, नधुर्मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दो टूक कलेजे के करता पछताता पंथ पथ पर आता पंक्ति में रस है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता पंक्ति में रस कौन सा है, तो रस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपको, कौन सा रस दिख रहा है इसमें से, करुण रस, छंद प्रवाह कहते हैं, तो साथियों बताएगा छंद प्रवाह किसे कहते हैं, इसमें से मति यति गति अपति, तो छंद प्रवाह इसमें से कहेंगे किसको, गति को। सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है, तो सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में अलंकार आपको बताने हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, अनुबंध, 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 तो इसका सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों, इसका अनुबंध कर रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह बताइएगा, तो साथियों अर्ध विराम का हमारा जो चिन्ह है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला सवाल है, सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, अव्यय है, कारक है, संज्ञा है, तो सुंदर शब्द आपको सभी को पता होगा एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समानार्थी शब्द नहीं है, व्याघ्र, विहीर, व्याल और मृगेंद्र, तो समानार्थी शब्द आपको नहीं दिख रहा है इसमें से, वह है साथियों ब्याल, केहरी, मृगेंद्र और ब्याघ्र, ये तो है। अगला अंतिम इस चैप्टर का, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द है हमारा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये चुके हमारे 100 टॉप के एमसीक्यूज हिंदी व्याकरण के, उम्मीद करता हूं आपके पसंद आए होंगे। आपके कितना स्कोर इन 100 प्रश्नों का बना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पुराने चैप्टर हमारे इस सीरीज के देखने हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर ऐसे जुड़ते रहेगा, आपको हम ऐसे सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए विदा लेता हूं आपके सम्मुख, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।